वेलकम बैक टू चैनल। तो कैसे हैं आप लोग, आप लोग का वापस से एक नए वीडियो में स्वागत करते हैं। तो आज हम लोग जर्नी करने वाले हैं 12381 पूर्वा एक्सप्रेस में वाया गया में। तो इस ट्रेन का टाइमिंग का बात करूँ तो ये जो ट्रेन है हावड़ा से सुबह में 8:15 पर चलती है और ये लगभग 1450 किलोमीटर की दूरी तय करती है, वो भी 22 स्टॉप के साथ 21 घंटे 45 मिनट का समय लेकर आपको दिल्ली पहुँचाती है अगले सुबह 6 बजे। ये जो ट्रेन है वीक में 3 दिन चलती है, बुधवार, बृहस्पतिवार और रविवार। तो ये वीकली ट्रेन है और आपको बता दूं कि बंगाल को एक और वंदे भारत का सौगात मिली है जो पटना से हावड़ा के लिए चलेगी और आसनसोल होकर चलेगी। यहाँ पे एक स्टॉप है और जसीडी स्टॉप है, मतलब हावड़ा से चलेगी तो आसनसोल और आसनसोल से जसीडी, जसीडी से पटना, और उसका ट्रायल रन भी हो गया है, शनिवार को हो गया है। और अभी इसके बाद हरी झंडी मिलेगी और इस रूट पर भी एक वंदे भारत चलेगी। तो इस ट्रेन को हम लोग आसनसोल से बोर्ड करने वाले हैं और आपको बता दूं कि जो पूर्वा एक्सप्रेस है दो रूट पे चलती है और इससे पहले हमने एक पूर्वा एक्सप्रेस में जर्नी किया था जो नई दिल्ली से हमने बोर्ड किया था। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा होगा तो मेरे चैनल पर अपलोड है या डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप लोग देख लेना। वो जो एक्सप्रेस था जो नई दिल्ली से हमने बोर्ड किए थे वो आपको पटना वाली रूट पर चलती है, जो नई दिल्ली से हावड़ा जो पटना वाली रूट है उस पर चलती है। लेकिन जो आज हम लोग बोर्ड करने वाले हैं इस ट्रेन को, ये है जो वाया गया होकर जाती है, धनबाद, गया, बनारस होकर जाती है। तो दो पूर्वा है, वो भी वीकली एक्सप्रेस है और दो अलग अलग रूटों पे चलती है। संतरागाछी का वेस्ट करने का लोकोमोटिव लगा हुआ था, हमारी ट्रेन भी आ गई और आज हम लोग जर्नी करने वाले हैं स्लीपर क्लास में। S5 है हमारा कोच। और यहाँ से बहुत लोग बोट भी करने वाले हैं ट्रेन में आसनसोल से, देख रहे कितना रश है, सभी लोग इस ट्रेन में बोट करेंगे। सब एक जगह हो जाएंगे, मतलब आपका सीट ऊपर वाला ही है? हाँ, ऊपर वाला भी यार, मिडिल का भी है। नहीं, मिडिल मत दीजिए, मिडिल नहीं, मेरे ऊपर भी है, मिडिल भी है। हम लोग का है ये दोनों, ऊपर का भी। अरे बेटा मेरे को समझाने दो ना, 77 है ऊपर, 75 ये वाला है, 77 ये वाला है, S1 आप दोनों में से कोई हाँ यार, ऊपर ही नहीं। हाँ तो चलो जा जा जा, फोन करके आ जाओ। S1 ना, कौन है, कौन है, कौन है, कौन है, कौन है, कौन है, S1 77। तो चलिए आसन सीट हो गया है डिपार्ट और अभी एक झमेला हो गया, एक्सचेंज करना पड़ेगा सीट की, जो रिक्वेस्ट किया है इसके लिए आपने देखा और फैमिली के साथ है, बट एक सीट उनका उधर एक्सचेंज कर लिया। तो आपको पहले दिखाते दिखाते आसन सोल का, ऐसे हम घर से खाना लेकर चले थे, देखिए रोटी और भुजिया उजिया अचार भी है। तो आपको पता दूं कि इस ट्रेन में पेंट्री कार भी है तो खाने में का कोई टेंशन नहीं है, आप लोग पेंट्री कार से भी खाना खा सकते हैं। हाँ, लेकिन आप लोग स्टैंडर्ड भेज थाली का डिमांड करें और बिल भी लें, नहीं तो आपको ओवर प्राइस देना पड़ेगा। और आपको बता दूँ कि ट्रेवल के लिए घर से खाना ही बेस्ट होता है, तो हमें घर से खाना ले कर चले थे, रोटी और भुजिया और अचार भी। तो खाने का क्या रिव्यू देना है, और मुझे भूख भी लगी है, तो चलिए खाते हैं। तो हम लोग पहुंच गए हैं कोयले के लिए जाने जाने वाला सिटी स्टेट जो कोयले के लिए फेमस है, धनबाद जंक्शन, जो स्टेशन कोड है DHN और ये 8 प्लेटफॉर्म वाला रेलवे स्टेशन है। और यहाँ पे 10 मिनट बिफोर ही आ गया, पहले यहाँ पर 11:55 में टाइम था लेकिन ये 11:45 में आ गए। और ये ईस्ट सेंटर रेलवे जोन में अभी चल रहे और ये रेलवे स्टेशन के साथ साथ एक डिवीज़न भी है। और यहाँ से 100 ट्रेनें हैं जो डेली बन के चलते हैं यहाँ से, और 1 लाख यात्री हैं जो यात्रा करते हैं। और आपको बता दूँ कि ये क्लीन सिटी भी है और ये झारखंड का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। हमने एक जो सीट है अपना एक्सचेंज किया है, जहाँ मेरा S5 में 35 नंबर सीट था तो वहाँ पे कुछ फैमिली वाले बैठे थे और उनका जो सीट, दो सीट था जो S1 में था, तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि आप वहाँ चले जाओ, हम लोग साथ में फैमिली के साथ हैं, तो हमने भी चला एडजस्ट कर लेते हैं। तो हमने भी आ गया S1 में, जो अपर सीट मिला है 75 नंबर, बट यहाँ पे बगल में जनरल कोच है तो वो थोड़ा सा जगह कंजेस्टेड हो सकता है, क्योंकि बहुत लोग हैं जो जनरल में चढ़ेंगे तो उसके लिए थोड़ा सा क्या होगा कि बहुत भीड़ भाड़ होगा, रश होगा, आप समझ रहे हो ना।
आपको दिखाते हूँ मेरा S1 है और एक जनरल कोच कहाँ पर है। तो ये वाला मेरा कोच है S1 और उसका बगल में जस्ट जनरल कोच है। तो देखिए जस्ट मेरा इधर में सामने में है, तो थोड़ा सा क्या करते हैं पैसेंजर लोग जनरल वाले इसमें आ जाते हैं, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। तो चलिए हो गया ट्रेन डिपार्चर अपने टाइम पर, और यहाँ पर बिफोर आ गई थी 10 मिनट पहले आ गई थी, और बारिश भी हो रहा है, और यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप था। और यहाँ पे ब्लैक डायमंड है जो लगी हुई है, जो धनबाद से हावड़ा के लिए चलती है, और यहाँ से बहुत लोग बोर्ड किए हैं। तो हम लोग आ गए हैं बिहार में, जो सासाराम जंक्शन जो स्टेशन कोड है SSM, ये 7 प्लेटफॉर्म वाला रेलवे स्टेशन है, और ये बिहार का रोहतास डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है रेलवे स्टेशन। और आपको बता दूं कि ये दिल्ली और कोलकाता को कनेक्ट करने वाला रेलवे स्टेशन है, और पटना वाया आरा को कनेक्ट करने वाला रेलवे स्टेशन है, और यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है। तो चलिए हो गया डिपार्चर ट्रेन का। तो हम लोग आ गए हैं वाराणसी जंक्शन जो स्टेशन कोड है BSB, और ये 10 प्लेटफॉर्म वाला रेलवे स्टेशन है, और जोन की बात करें तो नॉर्थन रेल जोन में चल रहे हैं, और डिवीज़न वाराणसी में। और इस रेलवे स्टेशन को 1872 में ओपन किया गया था, और 2010 में इलेक्ट्रीफाइड बनाया गया था। और आपको पता है बनारस किस लिए फेमस है, किस लिए जाना जाता है, काशी विश्वनाथ टेम्पल के लिए, जो यहाँ महाकाल के जो शिव जी के जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक यहाँ ज्योतिर्लिंग है, तो उसके लिए फेमस है। और यहाँ पर टाइम तो इसका 6:45, लेकिन ये थोड़ा सा 5 मिनट डिले आई है 50 में, और यहाँ पे 10 मिनट का स्टॉप है। और वाराणसी रेलवे स्टेशन पर देखिए बहुत सारे लोग हैं जो उतरे हैं, देखिए देखिए कितने सारे बहुत सारे लोग हैं जो उतरे हैं। और आपको बता दूं कि यहाँ पर 300 से ज़्यादा ट्रेनें हैं जो गुजरती है, और 45 ऐसे ट्रेनें हैं जो यहाँ से अपना बन के चलती है, यहाँ से खुलती है, और अपना सफ़र भी यहाँ ख़त्म करते हैं। 45 ऐसे ट्रेनें, 4 लाख जो पैसेंजर है यहाँ से अपना सफ़र करते हैं। और आपको बता दूं कि जो वंदे भारत जो ट्रेन है, जो पहली हमारी दिल्ली से बनारस के लिए ही चली थी, यहाँ तक के लिए चली थी। तो यहाँ पे बारिश भी हो रहा है, देखिए झिमझिम बारिश भी हो रहा है। और रेलवे की तरफ से नया ये जो स्कीम चालू किया था, ये 15 रुपये 20 रुपया, और यहाँ भी जो जनरल कोच के पास जो खाना दिया जाएगा वो वाला देखिए यहाँ पर चल रहा है। अभी कुछ दिन पहले ये वाला चालू किया गया है, जो कम सस्ता में और जनरल कोच के पास खाना मिलेगा वही वाला है ये। तो चलिए हो गया है ट्रेन डिपार्चर, और यहाँ पे 10 मिनट का स्टॉप था। और आप लोगों अराइवल नहीं देखा पाए, क्योंकि आपने देखा बहुत भीड़ था यहाँ पर, बहुत लोग उतर गए हैं, खाली भी हो गया बहुत सारा, क्योंकि दीनदयाल उपाध्याय से बहुत लोग चढ़े भी थे वाराणसी के लिए, यहाँ पर बहुत लोग उतर भी गए।
अब मुझे नींद आ रहा है तो अब मैं जाऊंगा सोने के लिए, तो चलिए मैं जा रहा हूँ सोने के लिए। तो जहाँ से मेरी नींद खुलेगी वहाँ से आपको ब्लॉगिंग देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए गुड नाइट। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हम लोग आ गए हैं अलीगढ़ जंक्शन, जो स्टेशन कोड ALJN और ये 7 प्लेटफॉर्म वाला रेलवे स्टेशन है और 1 घंटे से डिले चल रही है ट्रेन। यहाँ पे 3:38 का टाइम था लेकिन ये 4:45 आ रहे हैं, मतलब 1 घंटा 12 ट्रेन में डिले चल रही है। और नॉर्थ सेंट्रल रेलवे जोन में भी हम लोग आ गए अलाहाबाद डिवीज़न में, और 1865 में इसको ओपन किया गया था इस रेलवे स्टेशन को, 1975 में इलेक्ट्रीफाइड बना गया था। और वाराणसी से चलने के बाद हम लोग सो गए थे तो अभी उठे हैं, लेकिन ट्रेन 1 घंटा डिले चल रही है। ट्रेन भी बहुत खाली हो गया और इसका बाद ही जाएगा दिल्ली डायरेक्ट, एक ही स्टॉप है जो जाएगी दिल्ली। और इस ट्रेन का कोच पोजीशन और टिकट फेयर का बात बनूँ तो इस ट्रेन में स्लीपर भी है, 3rd AC क्लास भी है, 2nd AC क्लास भी है और 1st AC क्लास भी है, और जनरल का भी कोच है, जनरल भी है। और टिकट फेयर आप लोग का स्क्रीन पे शो करता होगा कौन सा क्लास है, कितना टिकट फेयर है। तो चलिए ट्रेन हो गया डिपार्चर और यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप था। तो हम लोग आ गए न्यू दिल्ली। तो ये था पूर्वा एक्सप्रेस का ट्रेन जर्नी, तो आप लोग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। हाँ, अगर आप लोग पेंडी कार से खाना खाते हैं तो स्टैंडर्ड भेज थाली का डिमांड करें और बिल ले पक्का अपना, नहीं तो आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। तो चलिए इस ट्रेन का यहीं तक सफ़र था, आप लोग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। आप लोग से मिलते हैं एक और नए ब्लॉग वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।